हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। श्रीमान कार्तिक जो जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव बगनोटी के रहने वाले हैं, जो कि नौशहरा के सीमावर्ती क्षेत्र में आता है, ये वॉलीबॉल के बहुत ही बेहतरीन युवा खिलाड़ी हैं और भारत देश की जो वॉलीबॉल की टीम है अंडर 18 इंडिया वॉलीबॉल टीम, उसमें इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया और श्री कार्तिक जी को भारतीय वॉलीबॉल टीम का कैप्टन चुना गया। कैप्टन चुने जाने के बाद श्री कार्तिक जी के नेतृत्व में भारतीय वॉलीबॉल टीम अंडर 18 इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए ईरान में प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने भाग लिया और ईरान के अंदर हुई इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता में श्री कार्तिक जी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और दुनिया की बेहतरीन टीमों के साथ हुए मुकाबलों में इन्होंने विजय हासिल की और इस एशियाई इंटरनेशनल चैंपियनशिप के अंदर श्री कार्तिक जी के नेतृत्व में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और श्री कार्तिक जी ने भारत का झंडा इंटरनेशनल लेवल पर ऊंचा किया, बुलंद किया। आज हम जम्मू पहुंचने पर यहां श्री कार्तिक जी का जम्मू वासियों ने भव्य स्वागत किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी श्री कार्तिक जी के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन और बेहतरीन खेल के अंदर इनकी मेहनत, लाजवाब प्रदर्शन और अपनी टीम का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए कैप्टन के नाते से इन्होंने जो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है, इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी श्री कार्तिक जी को इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए बधाई देती है और इनके तमाम साथी, इनकी जो टीम के सभी अन्य खिलाड़ी जो देश के अन्य अन्य स्टेट्स से थे, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि छोटी आयु में इन्होंने लाजवाब काम किया है और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। मैं श्री कार्तिक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इनको मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि श्री कार्तिक जी इसी तरीके से देश का नाम रोशन करेंगे। श्री कार्तिक जी भारत का तिरंगा झंडा पूरी दुनिया में इसी तरीके से फहराएंगे और श्री कार्तिक जी के नेतृत्व में आने वाले वर्ल्ड कप अंडर 18 का जो प्रतियोगिता होगी उसमें यकीनन भारत वर्ल्ड कप वॉलीबॉल यकीनन जीतेगा। जिस प्रकार का खेल इन्होंने ईरान के अंदर दिखाया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत की तारीफ हुई है। मैं सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं और श्री कार्तिक जी को विशेष इसके लिए सम्मानित करता हूं। श्री कार्तिक जी आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ये बात
बुक दे दो। श्री कार्तिक जी को भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से सम्मानित किए जाने पर हम ये मोमेंटो इन्हें इनकी जबरदस्त कामयाबी के लिए भेंट करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई है, शाबाश, वेल डन, वेल डन, बहुत भारतीय जनता पार्टी का मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने हमें आज यहाँ पे सम्मानित किया, और हमारे अध्यक्ष जी का भी जिन्होंने हमें अच्छे से सम्मानित किया। और हमने आज 14th यूथ एशियन चैम्पियनशिप में साउथ कोरिया को हराकर देश के लिए रजत पदक जीता और देश का तिरंगा झंडा बनाया। क्या कुछ तजुर्बा रहा वहाँ पर और कितने मेंटली और फिजिकल तौर पर तैयार थे वहाँ जाने से पहले? जी, ये हमारा फर्स्ट टाइम वहाँ पे इंटरनेशनल कोई कंपटीशन था। वहाँ पे जो भी टीम्स आती हैं वो बहुत प्रैक्टिस ऑलरेडी टूर्नामेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल के आती हैं वहाँ पे, और उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। लेकिन हम लोगों को इंडिया में इतना एक्सपोजर नहीं मिला था, तो फिर भी हमने हमारे कोचिज की इतनी अच्छी मेहनत और उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया और मेंटली प्रिपेयर किया, जिसकी बदौलत हम वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर पाए और भारत के लिए मेडल जीत पाए। यहाँ पे एशिया की टॉप 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। टॉप 3 कौन कौन सी टीमें हैं? इसमें जापान, ईरान और इंडिया। जम्मू से आप अकेले यहाँ पे होते हैं, ऐसे शख्स जो ऐसी टीम का हिस्सा थे कि और भी आपके साथ यहाँ से खेले? जी, जम्मू से मैं अकेला था, लेकिन दूसरे ग्रुप्स में और भी लड़के थे। कैसा लग रहा है कि जम्मू के लिए आप खेले और जम्मू से आप आने वाले समय अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं, इंडिया का सपना क्या लेके चल रहे हैं? मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक सीमावर्ती एरिया से आया हूं और जहां पे गेम्स की इतनी सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने अच्छी मेहनत की और देश का नाम रोशन किया। और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में और भी यूथ वहां पे, बहुत अच्छा टैलेंट है हमारे वहां पे सीमावर्ती एरिया में, जो और भी लड़के हैं वो और मोटिवेट हों और वो देश का नाम रोशन करें। कार्तिक, एक कदम दूर थे आप गोल्ड मेडल जीतने के, क्या उसके उसका गम है या खुशी इस बात की है बहुत कुछ सीख कर आए हो और ब्रॉन्ज में भी आप कुछ नजर आ रहे हो, आने वाले इवेंट्स में आप और डबल मेडल करोगे? जी, हम एक स्टेप पीछे रह गए क्योंकि जापान से हम एक पॉइंट से मैच हार गए थे। अगर हम जापान से वो एक पॉइंट से मैच जीत जाते तो शायद हमारा सेमीफाइनल किसी और से पड़ता और आज हम स्वर्ण पदक लेके आते। लेकिन हमारे लिए ये फर्स्ट कंपटीशन था, तो हमें इसे सीख मिली है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। हमने आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, तो हम अगले वर्ष के लिए पूरी तैयारी करेंगे और वहाँ पे स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये भी अपने आप में इतिहास है कि 14 साल के बाद ये मेडल आया है, इस चीज़ की खुशी इंतजार। जी, काफ़ी खुशी हुई। जो हमारी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो काफ़ी खुश है हमसे, और वो हमसे आगे भी यही अपेक्षा रखते हैं कि हम आगे और अच्छा प्रदर्शन करें और भारत के लिए स्वर्ण पदक लाएं। बहुत अच्छा, थैंक यू।